प्यार से प्रणाम सभी को। तो जो नए आए हैं उस चैनल पे उनको बता दो, मेरा नाम आकाश है और मैं दुकानदारों के लिए, फेरी वालों के लिए और जो हाउस वाइफ है घर से बिजनेस करते हैं या फिर जो बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं क्लॉथिंग रिगार्डिंग या कुछ भी रिगार्डिंग, उनके लिए वीडियो लेके आता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य है उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, क्योंकि मैं भी कभी एक दुकानदार रहा का बेटा रहा हूँ, मैं वो चीज़ें प्रॉब्लम वो सारी चीज़ें देखा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी हम बात आज का जो है वो हम पहुंच चुके हैं सातवें एपिसोड में, सेवेंथ एपिसोड। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको सेवेंथ एपिसोड में। और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के बिना सब कुछ अधूरा है। क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमारे कस्टमर से रिलेटेड है। जो दुकानदार हैं उनके लिए बताऊँ, ये उनके कस्टमर से रिलेटेड है। कैसे है, हाउ टू इंगेज एंड रिपीट योर कस्टमर। अब मैं हिंदी में इसको समराइज करता हूँ आपके लिए कि अपने कस्टमर को कैसे दोबारा बुलाएं, तीसरी बार बुलाएं, चौथी बार बुलाएं और कैसे उनको खुश करके भेजें। तो इसका जो हिंदी मतलब है वो ये हुआ कि कैसे उनको खुश करके भेजें और कैसे उनको हम रिपीट करें, राइट, बार बार हमारे शॉप पे, ऐसा क्या करें हम। तो देखो, इसको करने के लिए बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसमें लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम में बात कर लेते हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, जैसे कोई दुकान पे आया तो बहुत सारे लोगों को मैं खुद पर्सनली भी देखा हूँ कि मैं विजिट किया हूँ तकरीबन 650 दुकान दुकानदार विजिट की, दुकानों में विजिट किया हूँ, दुकानदारों से मिला हूँ, 1,00,000 दुकानदार हमारे पास हैं। तो उस बिहाफ पे मैंने जो नोटिस किया वो ये किया कि मैंने देखा बहुत सारे लोग करते क्या है ना, कि जब कोई उनके कस्टमर भी आता हो, रहता है उनकी शॉप पे या कोई आता है, तो वो फोन पे लगे होते हैं, ठीक है, फोन पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ फोन पे कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। जब आपके दुकान में कोई कस्टमर हो या जब आपके कोई आ रहा हो, उस टाइम आपका पूरा फोकस अपने कस्टमर पे होना चाहिए, ना कि आप कहीं दूसरी जगह फोन पे कहीं पे भी ऐसी जगह आपको फोकस नहीं होना चाहिए। आप फोन बिल्कुल रख दीजिए जब आपके दुकानदार आ रहे हो, क्योंकि इससे होता क्या है कि इससे कस्टमर को लगता नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। अब उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता तो इसको इसका तरीका इसका क्या दिक्कत क्या होती है इसमें, कि शायद वो आपके दुकान पे एक बार तो आ जाए, जिस बार वो आ गया, लेकिन दूसरी बार उसको वो आएगा नहीं, क्योंकि आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दिए, आपने उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आपको देना चाहिए। क्योंकि हमारे, हम तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है, अतिथि देवो भव, राइट, हम भगवान मानते हैं जो अतिथि रहते हैं, और जो कस्टमर रहते हैं उनको भी हम भगवान बोलते हैं। तो जब हम किसी को, जो हमारे कल्चर में ये चीज़ है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जब हमारे कस्टमर आते हैं तो हम कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो अब ये तो रही प्रॉब्लम की बात, अब हम क्या ऐसा करें कि कस्टमर खुश भी हो, खुशी खुशी निकले भी दुकान से, और दुकान पे निकल रहा हो तो उसकी मुस्कुराहट भी हो उसके चेहरे पे, और प्लस दूसरी बार भी आए और अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सबको सजेस्ट भी करें कि भाई वो दुकान है वहाँ पर जाओ, ठीक है, ऐसा क्या करें। देखो, इसको ये टोटली इसको करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट अभी नहीं बना है कि कुछ ऐसा करने से होगा, लेकिन मुझे जो लगता है ना कि इसको करने का, ये ऐसी चीज़ है ना कि ये फ्री में की जाती है, इसमें ना तो आपको कोई पैसा लगना है, ना तो आपको कोई कॉस्ट लगना है, कुछ नहीं लगना इसमें, राइट, कुछ नहीं लगना इसमें, केवल आपका जो है जुबान ही आप मैटर करता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, वो होता है आपका जुबान। आप कैसे एक कस्टमर को बात कर रहे हैं, कैसे एक कस्टमर से कैसे आप कस्टमर को वो कर रहे हैं, राइट, कैसे कस्टमर को एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैटर करता है। कि आप अगर उसको एक इज्जत दोगे ना, एक रिस्पेक्ट दोगे, आप बात करने में तू नहीं लेके आओगे, आप बात करने में आप करके बात करोगे, राइट, और उसके बाद उसको थोड़ा हंस के मुस्कुरा के बात करोगे, अगर निगोशिएट भी कर रहा है तब भी उससे प्यार से डील करोगे, अगर वो उस प्राइस से मांग रहा है जिस प्राइस पे आप शायद आपको भी नहीं पड़ा है, फिर भी आप काम रहोगे, फिर भी आप उसको एंजॉय, उसको बताओगे उसको अपनी प्रॉब्लम की, भाई इतने में तो हमें नहीं पड़ा, तो हम आपको कैसे दे दें, अगर होता तो हम बिल्कुल दे देते क्योंकि आपको मैं ऐसे नहीं जाने देते। तो ऐसा करके हमें उनको इंगेज रखना होगा, उनको हमें प्यार से समझाना होगा, वो हमारे यहाँ प्रोडक्ट लें या ना लें, हम कभी पहले से डिसाइड ना करें कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। हमारे अंदर गलती क्या होती है, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, राइट, कि वो प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। वो हो सकता है आपके यहाँ प्रोडक्ट ना ले, आपके यहाँ ऐसे चला वैसे चला जाए, लेकिन अगर खुश होकर आपके यहाँ से जाएगा ना वो, तो दूसरी बार तो कभी ना कभी तो आएगा प्रोडक्ट लेने ना, राइट। तो हमें कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आता है, चाहे कोई भी हो, राइट, वो लेगा या नहीं लेगा, हमारा कर्तव्य ये बनता है, हमारा ड्यूटी ये बनती है कि हम उसको अच्छे से बात करें, अच्छे से उसको इंगेज करें, आप करके बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, इज्जत दें उसको, ठीक है, उसको ऐसा फील हो कि वो, मतलब कि
एकदम कुछ अजीब सा उसको अच्छा लगे, मतलब उसको लगे कि भाई दुनिया में कोई तो है जो इज्जत दे रहा है उसको, ऐसा ऐसा फीलिंग आए। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, ठीक है? मैं देखता हूँ कि दुकानदार से मैं बताया कि ये गलती करते हैं, लेकिन आपने कभी देखा जो बड़ी कंपनियां हैं, जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ की कंपनियां हैं, जो एग्जाम्पल लेते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये सब जो कंपनियां हैं, अगर आप खुद ही कभी कॉल करके इनको देखिए, जब आप इनको कॉल करेंगे ना तो आगे से रिवर्ट आएगा, सर तू रिवर्ट नहीं आएगा, हम क्या करते हैं, और हमें टोटल फोकस देंगे, वो सर करके बात करेंगे, कि रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, हमको गाली भी देंगे तब भी वो हमसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो ये होता क्या है कि ये जो वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने, तो इसका लॉजिक यही होता है कि हम दुकानदार जो हैं हम क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए जो है वो जो है आगे बढ़ रहा है वो चीज़ें, इसीलिए जो ऑनलाइन है ना वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने उनको दुकानदारों को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल मैं मानूंगा उनका दुकान चलता है, अच्छी तरीके से चलता है। तो हमें ये चीजें एक जो है एक इज्जत देनी पड़ेगी अपने कस्टमर को, और सेकंड क्या होगा, ये रिस्पेक्ट हो गया जो हमको देना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे अगर नहीं आती आपको, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें अपने, कैसे बात करना, कैसे इंगेज करना कस्टमर को, कस्टमर जैसे इंगेज करेंगे उस तरीके से आपका बिजनेस होगा, उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, आपका दुकान कितना चलने वाला है, वो आपके कस्टमर इंगेजमेंट पे डिपेंड करेगा, कस्टमर आपके यहाँ से जाएगा तो मुस्कुरा के जा रहा है या दुखी होकर जा रहा है, वो टोटल आपके ऊपर ही है, अगर दुखी होकर जा रहा है तो टोटली आप रिस्पॉन्सिबल है उस चीज की, ठीक है? सेकंड पार्ट, सेकंड का थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ रखे ना, जिसमें जो मैं बताने वाला हूँ ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको, कुछ नहीं बहुत सारे चेंजेस आपको इसमें मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए अपने शॉप है, आपकी शॉप पे एक बोर्ड लगा दीजिए, राइट, कोई कस्टमर बोर्ड लगा दीजिए, कोई कस्टमर अगर जाया मतलब परचेज करके निकला तो आप उसे बोलिए प्लीज एक साइन कर दीजिए इस पे, क्योंकि हमारे इतने कस्टमर यहाँ परचेज करते हैं, ये इस पे साइन करते हैं, तो आप साइन कराएंगे ना, वो अजीब सा वो पता क्या फील करेगा, वो जैसे उसको ऑटोग्राफ दे रहा है, ऑटोग्राफ दे रहा है किसी को, वैसा फील करेगा वो, उसको अच्छा लगेगा, राइट, वो मतलब वो आप कुछ भी उसको दे दोगे वैसा फीलिंग उसके अंदर नहीं आएगा, जो ये आप करोगे उसके अंदर फीलिंग आएगा एक बोर्ड में वो साइन करने पे, और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास 200% आएगा, क्योंकि वो आपके कपड़ा लेने आएगा ना, वो अलग का मैटर है, लेकिन वो साइन देखने जरूर आएगा, अगर कपड़ा लेने आएगा तब भी अपना साइन देख के जरूर जाएगा, राइट। तो ये छोटे छोटे आपको स्टेप, एक एक स्टेप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, कुछ अलग करिए, राइट, ये जो आप करेंगे तो इससे ये सारी चीजें, तो इससे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड हम गिफ्ट रख सकते हैं, कोई छोटा सा, ऐसा नहीं है, कोई मान लीजिए कोई 20,000 का ऑर्डर करता है, तो कुछ 100 रुपीज का 200 रुपीज का गिफ्ट रख सकते हैं, ये कस्टमर अगर आपको इतना कोई ऑर्डर कोई अगर इतना परचेज करता है तो आप उसको छोटा सा 100 रुपीज का गिफ्ट दे दीजिए, 20,000 में अगर कोई परचेज कर रहा है शादी के लिए कुछ भी, तो आप उसको गिफ्ट देंगे तो कुछ आपका ज्यादा लॉस होगा नहीं, लॉस ज्यादा क्या, लॉस ही नहीं होगा, राइट, लेकिन उसको क्या होगा, उसको वो आपको रेफरेंस देगा, वो बंदा आपके बारे में दूसरी जगह बात करेगा और दूसरी बार भी आपके पास आएगा, ठीक है, ये छोटी सी चीज से, ठीक, उसको शायद वो सामान उसके लिए मैटर ना करे, लेकिन आपके सामान के वजह से जो आपने रिस्पेक्ट दिया ना वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ आप एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, आप अपने शॉप पे ना एक चॉकलेट का वो रखिए, चॉकलेट में टॉफी का जो 1 रुपए 2 रुपए के का था, पूरा एक बॉक्स रखिए, उसमें होता क्या है, मान लो कि कोई फैमिली आती है, फैमिली के साथ बच्चे भी आते हैं, ठीक है, आप जैसे उनके बच्चे हैं ना उसे उनको टॉफी दे दीजिए, वो टॉफी दे दीजिए, तो उनको उनको फैमिली को उनको बहुत 1 रुपए 2 रुपए की टॉफी में क्या होता है मुझे बताओ, लेकिन उनके फैमिली को एक वाइब आएगा, अपना वाला वाइब आएगा, राइट, उनको लगेगा अपनी ही शॉप है, ठीक है, वो दूसरों को भी लेके आएंगे, बोलेंगे अपनी ही शॉप है, करो शॉपिंग, क्योंकि आपने बच्चे से रिलेशन बना लिया, बच्चे से रिलेशन अगर बना लिया आपने तो ऑटोमेटिक आपके पेरेंट्स से रिलेशन बन गया, ठीक है, तो वो निगोशिएशन करने भी नहीं जाएंगे, चांसेस लो है अकॉर्डिंग टू पहले के अकॉर्डिंग, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे पर्सनल रिलेशन बना लेते हैं तो वहाँ यहाँ पे चांसेस कम है कि आपसे निगोशिएशन भी करें, और करेंगे भी तो ज्यादा निगोशिएशन नहीं करेंगे, राइट, और दूसरी बार भी आएंगे, तीसरी बार भी आएंगे, तो ये एक चॉकलेट का कोई ऐसा बड़ा नहीं, 100 रुपीज का एक बॉक्स मिलेगा चॉकलेट, वो आप रखेंगे तो पूरे महीने चलेगा, राइट, और ये चीज आपको चॉकलेट वाला, ये आपको लगन टाइम जिस टाइम शादियों का सीजन होता है उस टाइम 100% करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब शॉपिंग करने आते हैं ना तो ज्यादातर फैमिलीज आती है पूरा, क्योंकि शादी के लिए सामान खरीदना होता है तो फैमिलीज आती है, उस टाइम उसके बच्चे को अगर आप चॉकलेट में इंगेज करा देंगे ना तो अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे वो, और प्लस वो पर्सनल वाली फीलिंग भी आएगा चॉकलेट वाला, जाने लगे शॉपिंग करके फिर भी एक चॉकलेट दे दो उनको 1 रुपए 2 रुपए की, जो भी जैसे जो भी आपको रखना है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है ना ये आपके दुकान को बहुत अच्छा और बहुत एक इंगेजिंग बनाते हैं, इससे आपके रिपीट कस्टमर अल्टीमेटली 90% हो जाएंगे, मैं खुद बता रहा हूँ, हमने खुद ऐसे दुकानदारों को हमने गाइड किया हुआ है, बहुत दुकानदारों को हमने ये चीज़ें बताई हुई है और वो आज अच्छा खासा इंगेजमेंट रिपीट लेके आ रहे हैं,
ठीक है, तो आपको ये चीजें छोटी छोटी चीजें करिए, मैं तीन चार ही बता, क्योंकि वीडियो में बताना है तो मैं कुछ ही पॉइंट आपको बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ये तो मैं एग्जांपल लिया चार चीजों का, तो ये चीजें आप करिए, इससे कुछ और हटके है तो प्लीज उस पर भी जाइए, उसको भी करिए और देखिए रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। रिजल्ट जब आए तो प्लीज आके हमको हमारे चैनल पर कमेंट करिएगा आपको कैसा रिजल्ट मिला इस चीज का, अगर ये चीज आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा जो ये टॉपिक रहा कि कैसे हम अपने कस्टमर को इंगेज करें या कैसे अपने कस्टमर को रिपीट करें, ये टॉपिक का आज का ये टॉपिक रहा जो है 7th एपिसोड। अभी ये 7th एपिसोड खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट 8th एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे वीडियो आप लोग देखें, क्योंकि ये सारे वीडियो अगर आप लोग देख लिए और आप दुकानदार हैं या घर से स्टार्ट करना चाहते हैं या फेरी वाले हैं या हाउस वाइफ है जो घर से बिजनेस करती हैं, तो आपके सेलिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आप अच्छे लेवल पे बन पाओगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे आप, दुनिया के उसमें नहीं पड़ोगे कि ऐसे ही करना है, एक प्रोसेस बना दिया दुनिया ने कि ऐसे ही करना, नहीं, अलग करेंगे तो अलग दिखेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यार से प्रणाम सभी को, और मेरा मिशन है दुकानदारों को एक उनकी जो उनके रिस्पेक्ट उनको दिलाना, उसी लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, जितने लोग व्यूवर्स हैं, वो जो देख रहे हैं, वो अगर वो खुद दुकानदार हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो दुकानदार नहीं है वो प्लीज़ अगर आपके यहाँ कोई भी आपके रिलेटिव में फ्रेंड में कोई भी अगर दुकानदार है तो उनको वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से प्यार से प्रणाम सभी को, थैंक यू।